अभी हम दरभंगा शहर मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित घनश्यामपुर प्रखंड के बाउर गांव में हैं। नेपाल के तराई क्षेत्र में लगातार हो रही भीषण बारिश की वजह से उत्तर बिहार है वहाँ बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। ज़्यादातर दरभंगा जिले के जो पूर्वी क्षेत्र हैं जैसे घनश्यामपुर, कुशेश्वर स्थान, अलीनगर, इन सब तमाम क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। अभी जिस जगह पर हम मौजूद हैं वहाँ पर जो प्रखंड मुख्यालय है उससे सीधा संपर्क टूट चुका है, क्योंकि कमला में जलस्तर लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। यहाँ की आबादी को सिर्फ एक नाव ही सहारा है। लगभग 1600 की आबादी है जो और इसी पर तैरता है यहाँ लगभग 1600 की आबादी की जिंदगी। हर साल यहाँ के लोगों को बाढ़ की विविधता झेलनी पड़ती है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे हम बात करेंगे, कुछ लोग यहाँ पे हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ बाबू साहब यादव। कितनी परेशानी होती है यहाँ का लोग का? तो बहुत प्रॉब्लम है जी, पहाड़ भीतर निकलने में जाने आने में तो बहुत, बगैर नाव से कोई सुविधा नहीं है यहाँ का लोग का। ये कौन सा गांव है? ये उर्फ फजुलापुर बौर है। कितनी की आबादी होगी यहाँ पे? यहाँ तो 1600 का पॉपुलेशन जैसे वोट में आता है। हर साल बाढ़ में यही समस्या होती है? हर साल सर यही होता है यहाँ का लोग का। सरकार के तरफ से कोई मदद वगैरह? मदद ये पानी उनी मिल जाता था पिछले साल, दो साल पहले जो है जो 6000 रुपया भी मिला था दाही वही का, और प्रॉब्लम पानी उनी मिल जाता है और कोई देखभाल नहीं है। बाढ़ का कोई अस्थाई निदान नहीं हो सका? कोई नहीं हुआ है सर यहाँ। और कितनी समस्या आप लोगों को होती है जीवन यापन में? यहाँ का लोग का तो सर बहुत प्रॉब्लम होता है, हर चीज का दिक्कत, जाने आने का, बगैर नाव सब कोई। खाने पीने की क्या समस्या होती है? बाढ़ में तो सब कुछ दह गया होगा, दह जाता है, एक फसल दहता है। ये धान का तो नहीं है, मैंने नहीं है, गेहूँ वेहूँ जाकर किसान एकदम अपना रुके रहता है, उसके प्रॉब्लम बाढ़ का मनाते रहता है जो ये कैसे इसमें हम जीवित रहें। थोड़ा बहुत रखा है, अभी सरकार दे रहा है 5-6 किलो का दाना आदमी पर। अच्छा, सरकार जो अनाज दे रही है उस पर जीवन चल रहा है यहाँ लोग का। अभी बाढ़ में फिर कैसे साग सब्जी की व्यवस्था आप लोग? साग सब्जी का सर 900 टपे रसियारी गए, चाहे दरभंगा साइड में पाली गए, यहाँ से ला कर लोग अपना साग सब्जी चलाता है। इतना महंगा कर दिया है। और सर कोई यहाँ का लोग का बहुत दिक्कत है, बहुत तरह से दिक्कत है हर चीज का। ये बाबू साहेब यादव है, यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, और आप देख रहे हैं कि अभी हम नाव पे हैं बीच नदी के धार में हैं, और इसके बाद देखेंगे कि पीछे जो वो दिख रहा है वो गांव है बाउर गांव, और वहाँ पे लगभग 1600 की आबादी है जो कि हर साल बाढ़ की विविधता झेलने के लिए मजबूर होता है। यहाँ एक महिला भी है। चाची बताएंगे कितनी परेशानी आप लोगों को होती है? बहुत दिक्कत है सब कुछ को, बाथरूम का, पानी का, खाने पीने का, सब कुछ को दिक्कत है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा मिल्खा देवी। ये स्थानीय महिला है और नाव पे हम लोगों के साथ अपने गांव घर जा रही हैं कुछ साग सब्जियां लेकर के। तो ये नदी आप देख रहे हैं जो बाढ़ की स्थिति है, नदी नहीं है ये, बाढ़ की स्थिति है जो कि यहाँ पे कभी इनकी फसलें लहलहाया करती थी, आज बाढ़ की विविधता के कारण इनकी फसलें इस पानी के अंदर डूब चुकी है, जिससे यहाँ के किसानों को सबसे ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। यहाँ हर साल जो बाढ़ की विविधता आती है इसमें खास तौर पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अगर होता है तो महिलाओं को होता है। महिलाओं को यहाँ पर बाथरूम की सबसे बड़ी समस्या होती है, और यहाँ की 1600 आबादियों का जो सीधा मुख्यालय से संपर्क टूट जाना एक अपने आप में दयनीय स्थिति कह सकते हैं जो यहाँ बाढ़ के कारण दिखाई देता है। यहाँ के लोगों को आज भी सरकार के द्वारा मिलने वाली जो राशि है या फिर सहायता है उस पर नजरें लगी रहती है। ये तो यहाँ के लोगों का कहना है कि जो सरकार के द्वारा, जो केंद्र सरकार के द्वारा अनाज दिया जाता है उस अनाज के बदौलत ही इस बाढ़ में उनका जीवन यापन भी हो पाता है। तो आगे आपको हम दिखाएंगे कि इस बाढ़ की क्या स्थिति है, गाँव के अंदर की क्या स्थिति है, कैसे लोग अपने जीवन यापन करते हैं। तब तक बने रहिए।